हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 22 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाई गई है। इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। के साथ ही दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर डेली दो क्विजेस कराई जाती हैं, एक सुबह में 8 बजे और एक शाम को 9 बजे कराई जाती है। दो क्विज रैंडमली होती है, आपका जीके जीएस बूस्ट करने के लिए कराया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाओ। मिश्रा जी टेक्निकल MZT एजुकेशन आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑफिशियल चैनल। ऑफिशियल चैनल पर 22.1K सब्सक्राइबर से ज़्यादा है, ठीक है, 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, इसी ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं लास्ट के क्वेश्चंस की। लास्ट का हमारा पहला क्वेश्चन था, अब तक के हुए IPL सीजन्स में सबसे ज़्यादा बार IPL का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने 4 बार जीता है। दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग है जिसने 3 बार जीता है। अगला, मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वह है विश्वनाथ सुमद्र जी। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के हमारे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। दोस्तों इसकी खबरें बहुत पहले से ही आ रही है, मैं भी आपको जून मंथ में ही बता चुका था इसके बारे में जब इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन ये योजना शुरू होनी थी राजीव गांधी जी की जयंती पर। तो राजीव गांधी जी की जयंती अभी आई थी 20 अगस्त को, ठीक है, 20 अगस्त को जब सद्भावना दिवस मनाया पूरे भारत ने, तो 20 अगस्त को यानी राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती के अवसर पर ये योजना फाइनली लॉन्च कर दी गई। इस योजना के तहत दोस्तों राजस्थान सरकार जो है वो महज आठ रुपये में ही भोजन उपलब्ध कराएगी। इस योजना का मेन टारगेट यही है, लक्ष्य यही है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इसके लिए राजस्थान सरकार 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर रही है। कितना? 100 करोड़ रुपए इसके तहत खर्च किया जा रहा है। तो घोषणा बहुत पहले ही हो चुकी है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। राजस्थान के बारे में हम लोग बात करते हैं। राजस्थान ने अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया था। क्या? प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया था राजस्थान सरकार ने। राजस्थान देख लीजिए आप लोग मैप में, जयपुर पिंक सिटी यहाँ की है राजधानी, ये रहा मैप में राजस्थान। अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, कलराज मिश्रा जी हैं यहाँ के गवर्नर। अच्छा, मुख्यमंत्री के पद से लेकर के राजस्थान गवर्नमेंट काफ़ी दिनों से चर्चे में थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो डिप्टी CM थे सचिन पायलट, उनके और इनके बीच में कुछ विवाद चल रहा था, तो फिर सचिन पायलट को डिप्टी CM पद से हटा दिया गया, ठीक है। हालांकि वो विवाद सुलझ गया, दोबारा से सचिन पायलट इनकी पार्टी में शामिल हो गए यानी कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए, लेकिन वो पार्टी छोड़ चुके थे एक बार के लिए। सरिस्का टाइगर विहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देव घना पक्षी विहार, ये है राजस्थान में। राजस्थान का हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों इंद्रजीत मोहंती जी। कौन है? इंद्रजीत मोहंती। अच्छा, अब राजस्थान से कुछ और पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। राजस्थान के बारे में, झीलों के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। राजस्थान से आप लोग याद रखेंगे राजसमंद झील, राजस्थान से याद रखेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है और जयपुर से मैंने आपको याद कराया था कि जयपुर से आपको जयसमंद याद करना है, ठीक है। जयसमंद आप लोग जयपुर से याद रखेंगे, राजसमंद आप लोग राजस्थान से याद रखेंगे। इसके साथ ही पुष्कर झील भी यहीं पर है और सांभर झील भी राजस्थान में ही है, ठीक है। सांभर झील खारे पानी की झील है। इतना क्लियर। राजस्थान बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो ये अपना बॉर्डर पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से शेयर करता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यही है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य ने अपना नया लोगो लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने अपना नया राज्य का लोगो लॉन्च किया है। ये लोगो सर्कुलर साइज का है जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। रांची के आर्यभट्ट सभागार से इसे लॉन्च किया गया है। झारखंड के CM और गवर्नर ने इसे मिलकर लॉन्च किया है। यहाँ के CM ने इस लोगो के बारे में एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि इस लोगो का मतलब क्या है। इसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये झारखंड की संस्कृति यानी वहाँ की कल्चर, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ की ताकत और वहाँ की खूबसूरती को अपने आप में समेटा हुआ है। गोलाकार दोस्तों विकास का प्रतीक है, लोगो गोलाकार में है। झारखंड आया है, झारखंड के बारे में जानिए। झारखंड की राजधानी रांची है। हेमंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। द्रौपदी मुर्मू जी हैं यहाँ की गवर्नर।
अगर बात करें झारखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो वो हैं रवि रंजन। इनका नाम याद रखना है, रवि रंजन, ये हैं झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। झारखंड है कहाँ पर, देखिए मैप में ये रहा झारखंड। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से ये अलग हुआ झारखंड। ओके, झारखंड अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर वेस्ट बंगाल, इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली अमेरिका की पहली कंपनी कौन बनी, तो ये बन गई है दोस्तों एप्पल। एप्पल कंपनी $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर चुकी है और ये ऐसा करने वाली अमेरिका की पहली कंपनी बन गई है। अमेरिका की पहली बनी है, दुनिया की पहली नहीं बनी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दुनिया की पहली कंपनी बनी थी दोस्तों सऊदी अरामको। सऊदी अरामको जब इसने अपना IPO लॉन्च किया था तो उसी टाइम पर ये $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर चुकी थी, जो कि सऊदी अरब की एक कंपनी है, तेल कंपनी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एप्पल की, जो कि अमेरिका की कंपनी है और ये भी $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर चुकी है। अभी हाल ही में इसका एक शेयर 467.77 के क्रॉस कर गया डॉलर के। ठीक है, $467 से ज़्यादा का एक शेयर पहुँच गया है इस कंपनी का, एप्पल का, और अब ये $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर चुकी है। अगर बात करें इसकी स्थापना से, तो स्थापना में जब इसने IPO लॉन्च किया उसके बाद से 76,000 गुना इसका शेयर प्राइस बढ़ा हुआ है। एप्पल के बारे में जानिए इतिहास। इसकी स्थापना 1976 में हुई, पहले एक PC बेचने वाली कंपनी थी, पर्सनल कंप्यूटर बेचती थी एप्पल। फिर ये मोबाइल सेक्टर में आई और इसने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया iOS। ठीक है, जैसे गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, आप लोग जो एंड्रॉयड ऐप चलाते हो वो गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है। आईफोन यूज़ करते हो अगर, तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है विंडोज़। ठीक है, चाहे वो लैपी यूज़ कर रहे हो या फिर विंडोज़ कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो, जैसे नोकिया का आया था। तो कंपनियों के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी आपको याद रखना है। गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, माइक्रोसॉफ्ट का है विंडोज़ और आईफोन का, एप्पल का iOS है। ठीक है, अच्छा एप्पल के संस्थापक कौन थे? एप्पल के संस्थापक थे स्टीव जॉब्स थे इसके संस्थापक। 1976 में स्थापना की। वर्तमान में इसके CEO हैं टिम कुक। कौन है? टिम कुक हैं इसके वर्तमान में CEO। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने COVID-19 से जुड़ा कौन सा वीडियो गेम लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने COVID-19 से रिलेटेड एक वीडियो गेम लॉन्च किया है, जिसका नाम है कोरोना फाइटर्स। अपनी तरह का एक अनोखा अद्भुत गेम है, वीडियो गेम के थ्रू दोस्तों लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि कैसे COVID-19 से लड़ा जाए, COVID-19 महामारी से कैसे बचा जाए, तरीके क्या क्या हैं, इसको वीडियो गेम के थ्रू बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है, आजकल युवा जो हैं वीडियो गेम ज़्यादा खेलना पसंद कर रहे हैं, तो इस वीडियो गेम के थ्रू वो ऑटोमेटिकली अपने आप में जान जाएंगे कि कैसे बचना है कोरोना से, कैसे क्या क्या उपाय होने चाहिए जिससे महामारी के और संक्रमण फैलने से बचा जा सके। दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन जी का नाम आया है, इनसे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। इनको इस बार WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। तो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष हैं इस बार डॉक्टर हर्षवर्धन जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? अभी आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 5 खिलाड़ियों का नाम रिकमेंड किया गया था, उन सभी 5 खिलाड़ियों को दे दिया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार इस बार। कब दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है और इसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, 5 खिलाड़ियों को दिया जाना है राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब 5 खिलाड़ियों को एक साथ दिया जा रहा है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों भारत का खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा अवार्ड होता है। इस बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की जो घोषणा हुई है उसमें 5 राजीव गांधी खेल रत्न हैं, 8 द्रोणाचार्य लाइफ टाइम की कैटेगरी में और 5 जो है द्रोणाचार्य रेगुलर कैटेगरी में है दिए गए हैं, यानी 8, 5, 13 टोटल द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही 27 अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं और 5 ध्यानचंद अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, तो लिस्ट आ चुकी है प्रॉपर तरीके से, 29 अगस्त को इनको दिया जाना है। अब इस पर वीडियो भी आज आपको मिल जाएगी। चलिए इन 5 खिलाड़ियों के बारे में हम फिलहाल हम लोग जान ही लेते हैं। पहले हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेटर हैं,
एक ही वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने का इनके नाम एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। साथ ही साथ 3 बार ये दोहरा शतक लगा चुके हैं वनडे इंटरनेशनल में। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर इंडिविजुअल स्कोर इनके नाम ही है जो कि है 264 रनों का, ठीक है, ये भी वनडे में इनके नाम रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा IPL जिताने का, 4 बार मुंबई इंडियंस की टीम को जिताया इन्होंने, कल का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था। दूसरी खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट, रेसलर हैं, वीमेन रेसलर हैं विनेश फोगाट। तीसरी हैं रानी रामपाल, महिला हॉकी टीम की कैप्टन हैं ये। चौथी हैं मनिका बत्रा, वीमेन टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। और पाँचवें मरियप्पन थंगावेलू, मरियप्पन थंगावेलू पैरा एथलीट है, क्लियर है। तो इन 5 खिलाड़ियों को दिया जा रहा है राजीव गांधी का खेल रत्न का पुरस्कार। अच्छा, मैंने आपको कई बार बताया है कि पहला खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथन आनंद जी को। इसकी शुरुआत 1991-92 से हुई थी इस पुरस्कार की, और उसी टाइम विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था, क्लियर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया करें तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, आपके लाइक और शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपको वीडियो के एंड में बोलता हूँ जिससे वीडियो बीच में डिस्टर्ब ना हो, तो आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दिया करो, इससे हमारी हेल्प होती है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगले दिन मैं और अच्छे से प्रयास करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के चीज़ों को। देखिए क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए वो क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हो वो अगर समझ में आ जाएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा, तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह करते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल पर, आपको ऐसे ही बेस्ट करंट अफेयर अपनी तरफ से मैं कोशिश करता रहूँगा प्रोवाइड करने की। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने तुरंत खाता खोलने के लिए LVB DigiGo लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक ने LVB DigiGo नाम से एक नया सर्विस लॉन्च किया है जो कि इंस्टेंट अकाउंट खोलने के लिए है। इस सर्विस के थ्रू लक्ष्मी विलास बैंक के जो कस्टमर्स होंगे वो डिजिटली ही बैंकिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकेंगे इंस्टेंट अकाउंट ओपन करा करके, क्लियर बिल्कुल। अच्छा, अब लक्ष्मी विलास बैंक की बात तो हो गई, कुछ और बैंकों से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आए थे, जैसे अभी फिनो पेमेंट बैंक का नाम आया था जिसने जन बचत खाता लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? जन बचत खाता लॉन्च किया था फिनो पेमेंट बैंक ने। यस बैंक ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था दोस्तों लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज नाम का एक सर्विस। ये लोन प्रोवाइड करने के लिए था कस्टमर्स को, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लोन्स इन सेकेंड भी यस बैंक ने ही शुरू किया था। और HDFC बैंक ने अभी हाल ही में सौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? सौर्य KGC कार्ड। अब लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में स्टैटिक जानिए। इसकी स्थापना हुई 1926 में चेन्नई में है इसका हेडक्वार्टर। इसके MD और CEO हैं सुब्रमण्यम सुंदर जी। अगला है, भारत में रोजगार दिलाने में मदद के लिए कर्मो जॉब्स नामक ऐप किसने लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया है भारत में रोजगार दिलाने के लिए, जॉब सर्च करने के लिए कर्मो जॉब्स नाम का एक एप्लीकेशन। इंडिया में जॉब सर्च कर रहे जो लोग हैं उनको जॉब दिलाने में मदद करेगा ये। अब ऐसा नहीं है कि गूगल ने इसे भारत में पहली बार लॉन्च किया है, सबसे पहली बार ये बांग्लादेश में लॉन्च किया था। बांग्लादेश में 2018 में ही इसे लॉन्च किया था, ठीक है। इसी वजह से आपको देखो ये थोड़ा सा बंगाली नाम दिख रहा है, कर्मो जॉब्स, ठीक है। तो 2018 में ये बांग्लादेश में सबसे पहले लॉन्च किया था, फिर 2019 में इंडोनेशिया में लॉन्च किया, 2019 में ये इंडिया में भी टेस्टिंग किया था। जब 2019 में ये इंडिया में टेस्टिंग किया था तब गूगल पे ऐप पर ही स्पॉट नाम का, स्पॉट ब्रांड नाम से ये किया था टेस्टिंग। जब रिस्पॉन्स अच्छा आया तो अब इसी का नाम बदल कर ये कर्मो जॉब्स नाम से लॉन्च कर रहा है, क्लियर है बिल्कुल। तो गूगल ने इसे लॉन्च किया है। अभी ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया था जब गूगल ने गूगल प्लस को हटा दिया था और उसी को कुछ ही महीनों बाद गूगल करेंट्स के नाम से लॉन्च किया। गूगल करेंट्स के नाम से लॉन्च किया गूगल प्लस को, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई भारतीय मूल के हैं, आप सभी को पता है। दोस्तों आप लोग करंट अफेयर को ईबुक के माध्यम से रीड कर सकते हो, अपने पास एक ऐसा मटेरियल स्टोर कर सकते हो जिससे लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल हो सके, जो कि उसमें आपको हर एक टॉपिक कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन किया गया रहता है, चाहे वो राष्ट्रीय घटनाएं हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो, बैंकिंग से रिलेटेड, रक्षा प्रतिरक्षा, कोरोना वायरस से रिलेटेड, हर एक चीज़ कैटेगरी वाइज करके एक्सप्लेनेशन के साथ दिया रहता है। फिर एंड में आपको 100+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है बिल्कुल फ्री में। यानी कि शुरुआत में आप लोग डिटेल करंट अफेयर ईबुक रीड करो, उसके बाद 100+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लो। ये फीचर्स केवल और केवल हमारी ईबुक्स में प्रोवाइड की जाती है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी पर, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं।
आपको करना क्या होगा, MZT ऐप ओपन करना होगा, वहाँ पर ई बुक सेक्शन में जाकर ट्रांजेक्शन कर देना है। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को दोस्तों मनाया जाता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। प्रत्येक वर्ष वृद्ध लोगों को यानी सीनियर सिटीजन्स को देखभाल करने के लिए, उनको हेल्थ के बारे में अवेयर करने के लिए मनाया जाता है ये वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। इसकी शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 1990 में ही अप्रूवल दे दिया था। 14 दिसंबर को 1990 में इसकी मंजूरी दे दी थी, लेकिन पहली बार मनाया गया 1991 में, क्योंकि ये 14 दिसंबर था तो इसके बाद अगला ये अगस्त आता 91 में, तो इस वजह से पहली बार ये 1991 में मनाया गया। क्लियर है? ऊपर कुछ ऑप्शन और दिख रहे हैं, इनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया गया, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ये 19 अगस्त को मनाया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस ये भी 20 अगस्त को मनाया गया। क्लियर है दोस्तों? आप लोग सभी मंथ की डेट और थीम MZT ऐप पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर के बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। अगला है, डेटा क्वेस्ट ICT अवार्ड्स 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है राजेंद्र एस पवार जी को। राजेंद्र एस पवार NIIT ग्रुप के ये को फाउंडर और चेयरमैन हैं। NIIT ग्रुप के, NIIT यूनिवर्सिटी के ये संस्थापक हैं। इन्होंने 2009 में इसकी स्थापना की थी राजस्थान के नीम राणा में। ठीक है, तो 2009 में राजस्थान के नीम राणा में NIIT यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने की थी। इनको दिया गया है डेटा क्वेस्ट ICT अवार्ड्स 2019 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, 5 रुपए में डिजिटल सोना खरीदने के लिए किसने गोल्ड वॉल्ट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में अमेजन कंपनी ने अपने अमेजन पे पर 5 रुपए में डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए गोल्ड वॉल्ट लॉन्च किया है। इससे कोई भी पर्सन मिनिमम 5 रुपए पे करके ही अपना गोल्ड खरीद सकता है। ठीक है, ये फिजिकली नहीं होगा, ये सिर्फ गोल्ड वॉल्ट में स्टोर रहेगा। तो मिनिमम 5 रुपए, मैक्सिमम कितने का भी ये गोल्ड खरीद सकता है, परचेज कर सकता है। ठीक है, ये गोल्ड डिजिटल गोल्ड होगा, यानी इसे टच नहीं कर सकते हैं, ये गोल्ड डिजिटली ही स्टोर रहेगा। तो जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अमेजन पे ने इसके लिए सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी की है। अमेजन कंपनी के CEO और फाउंडर जेफ बेजोस ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो बस दोस्तों, ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी कितने वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे? ये आपको बताना है। कल की वीडियो में राजीव गांधी जी के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया गया था सब कुछ। अगला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक में कितने शेयर खरीदे हैं? कुछ लोग इस पर भी कंफ्यूज हैं तो इस वजह से ये क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप वीडियो देख लिए हो दोस्तों, तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप पर। सबसे पहले आपको क्विज प्रोवाइड की जाती है तो आप लोग क्विज तुरंत ही सॉल्व कर सकते हो। तो जाओ जल्दी से MZT ऐप ओपन करो और इसकी क्विज सॉल्व कर लो। बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। ऐसे टॉप 15 लोग हैं, रमजान खान, रेखा बुनकर, राहुल कुमार, श्याम शेर कुमार, मनु पांडे, स्वेटी, नेहा जायसवाल, शांति प्रिया, रविशंकर, प्रेरणा राय, साबिर आलम, प्रियांशु सिंह, सुजीत कुमार, सोनी कुमारी और ब्रह्मा रावत। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया और सबसे पहले आंसर किया। आप लोग भी टॉप 15 में अपना नाम जरूर दर्ज कराने की कोशिश किया करो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।